दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आज फिर से आगे एग्जाम सेंटर के बाहर। आज 18 जुलाई और 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। अभी कुछ दोस्तों से बात करेंगे और पता करेंगे आखिर पेपर कैसा आया था, एग्जाम का लेवल क्या था। कुछ दोस्त आते हैं तो उनसे बात करते हैं। भाई आप एग्जाम देख रहे हैं, कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक था। कुछ आपको इंग्लिश में कुछ याद है, एंटोनिम साइनो वगैरह कुछ? एंटोनिम से आया था उसमें, एंटी क्यों गया। अच्छा अच्छा, कुछ गए थे मैथ सभी से सभी से, तो मतलब अच्छा, कोई जीके क्वेश्चन याद है आपको? जीके क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन नहीं है। भाई आप बताएं कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया गया। बढ़िया गया, कुछ आपको याद है? कोई जीके क्वेश्चन याद है आपको? हाँ दिया था मैथ में, कहा वो नहीं हटा दिया था, वाई बराबर अच्छा टू करके दिया था, वो पूछा था परवाला का समीकरण पूछा था। वाई ग्रुप में मैथ से किस से क्वेश्चन पूछा गया था, कोई चैप्टर आपको याद हो? चैप्टर नहीं, चैप्टर नहीं याद। अच्छा चैप्टर नहीं याद है। इंग्लिश में कुछ याद है आपको? हाँ इंग्लिश में तो याद है। बताएं कुछ इंग्लिश में, लगभग सब सब चैप्टर से पूछ रहा है। अच्छा सबसे पूछा गया था। अच्छा सर आप इधर, अच्छा आप ले चुके हैं। अच्छा भाई आप बताएं कैसा आपका एग्जाम? अच्छा था सर, तो कुछ आप बताएं कि आपका इंग्लिश का रिकॉर्ड किस लेवल का आया था? आपको मॉडरेट लगा या हार्ड लगा, कैसा था? नहीं मॉडरेट था, हार्ड मॉडरेट। कुछ इंग्लिश में याद है आपको? नहीं। एग्जाम कैसा था आपका? बढ़िया रहा। तो आप बता सकते हैं कुछ जीके में क्वेश्चन याद हो आपको? याद नहीं। अरे मैथ में कुछ याद है? राष्ट्रीय पशु। मैथ में कुछ चैप्टर याद है जिससे मुझे क्वेश्चन पूछे गए? एक तो ट्रिग्नोमेट्री था। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री था। हाँ प्रोबेबिलिटी से। हाँ प्रोबेबिलिटी। और समाकलन अवकलन से कुछ क्वेश्चन आए थे? सब सर थोड़े थोड़े, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ इंग्लिश बता सकते, कोई वन वर्ड वगैरह याद हो? इंटरनल साइन वगैरह वन वर्ड आया था एक। अच्छा वो था कि वैसा याद ना आ रहा थोड़ा सा। अच्छा याद नहीं आ रहा अभी आपको फाइनली, कोई मतलब याद नहीं कुल मिला कर? चलो कोई बात नहीं, किसी और भाई से बात कर लेते हैं। भाई आप बताएं कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया भाई। कुछ आपको याद है मैथ वगैरह में कुछ? एक मैथ ही था भाई, एक नंबर मैथ कैसा था? मैथ ही था भाई। तो आप कोई इंटरव्यू वगैरह याद है? सबसे बेस्ट रागा था। अच्छा रागा था, रागा मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसा था रागा का? बहुत बढ़िया था। हो गया है। जीके कोई क्वेश्चन? जीके में था कि वही भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। अच्छा और लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? अच्छा समझ। और क्या नाम पूछा गया था? बाल वगैरह नहीं पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि जो इसरो के अध्यक्ष हैं, अच्छा उनका कार्यकाल एक साल के बढ़ा दिया गया, कौन है उनका नाम पूछा था। अच्छा और कुछ बता सकते हैं आप? और याद नहीं आ रहा भाई। भाई आप बताएं कैसा गया पेपर आपका? बता रहे हैं भाई, तो कोई बात है आप देख रहे हैं, आप बता रहे हैं। नहीं आप भाई आप बताएं। एक नंबर गया भाई। तो कुछ आप बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? इतना एकदम सही हुआ है हमारा। तो आप कुछ बता सकते हैं कि जो मैथ एक्स ग्रुप की थी उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन इजी लेवल के थे, चाहे एवरी सब्जेक्ट से आए थे लेकिन इजी लेवल के थे। अच्छा जा। उसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे मॉडरेट लेवल के थे जो बीच में डाले गए थे। अच्छा। जैसे बच्चों को ना उसमें फंसाने के लिए। तो क्या मतलब जो एग्जाम देने आएंगे अभी वो बता, मतलब कहाँ पे हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस टाइप का पेपर? सबसे पहले हमें जो देखने से लग जाए जैसे कि हम 10 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर लें, से वही सॉल्व करें, बाकी जो शेष बचे उसे बाद में। वाई ग्रुप कैसा आया था? वाई ग्रुप का हमने वैसे तैयारी नहीं की। अच्छा, वाई ग्रुप की नहीं तैयारी की। फिर भी रीजनिंग वगैरह कैसी थी? रीजनिंग इजी थी, हमने भी 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा अच्छा आप बताएं कुछ कैसा था एग्जाम? सर पेपर तो ठीक लेवल का था। अच्छा लेवल का था। अच्छा लेवल का था, मतलब मैथ वगैरह ठीक थी, एक आध दो क्वेश्चन लेंदी भी थे। फिजिक्स वगैरह में थ्योरेटिकल आया था, न्यूमेरिकल बिल्कुल आया ही नहीं था। फिजिक्स बता सकते हैं आप? फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आए थे, थ्योरेटिकल थ्योरी से क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा बिल्कुल। और कोई कंप्यूटर वगैरह कोई क्वेश्चन पूछा गया था? एक कंप्यूटर का कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन बना था? नहीं क्वेश्चन नहीं। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो और कुछ आप बता सकते हैं इंग्लिश में कोई? अगर इंग्लिश में आया था सैलो आया था, सैलो का अपोजिट, और उसके बाद एंटीक्यू आया था एक एंटीक, और ऐसे ही आए ऐसे नॉर्मली आएगा। आप तो कैसे गया था? तेरे बहुत अच्छा गया हमारा। कुछ आप बता सकते हैं जी भाइयों के लिए? फिजिक्स में ऐसे दो न्यूमेरिकल आए थे, एक कार्नो इंजन से आया था। अच्छा अच्छा। और एक इनिशियल मोशन से आया था, और उसके बाद मैथ का भी पेपर अच्छा मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल था। हाँ तो आप मैथ एक्स ग्रुप में बताएं किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे? ज्यादा मतलब इसे इंटीग्रेशन से दो क्वेश्चन आया था। दो क्वेश्चन आए थे इंटीग्रेशन। कल के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे थे समाकलन अवकलन को मिलाकर। मिला क्या था? मिक्स मिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे? 5 क्वेश्चन से ऊपर हो गए थे। 5 क्वेश्चन प्लस। हाँ। और एक ग्रुप में किस क्वेश्चन से बने, मतलब किस चैप्टर से बने क्वेश्चन? एक एरिया बाउंड्री वाला आया था, उसके बाद एक उसमें आया था क्या कहते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन से। अच्छा एक आया था बाउंडेबल फॉरम से। अच्छा
एक आया था मैट्रिक से, डिटरमिनेंट से, एक एक गुण होता है। आपने कितने अटेम्प्ट करे टोटल? टोटल मैथ में हमने टोटल 23 क्वेश्चन किए थे, 23 करे ओनली 15 मिनट में। अच्छा, आप भाई हैं भाई, कैसा था आप एग्जाम? ये अभी पेपर नहीं। अच्छा, अभी आपने, और भी आप कुछ बता सकते हैं? और क्या मतलब, रागा में मैंने किया है 26 क्वेश्चन। अच्छा, रागा में 26 क्वेश्चन जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई। आप कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा भैया। कैसा तो कुछ आप बता सकते हैं, इंग्लिश वगैरह में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे? वैसे पेपर तो वैसे मॉडरेट ही आ रहा था, मॉडरेट आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ लगा हो आपको कि कौन सा पोर्शन ज्यादा हार्ड था, कुछ अगर मॉडरेट से ऊपर दिया गया हो? वैसे थोड़ा बहुत जो दिक्कत होती है वैसे थोड़ा इंग्लिश में ही होती है, फिजिक्स और मैथ तो नॉर्मली आती है। फिजिक्स नॉर्मली है, मैथ भी ज्यादा हार्ड नहीं। मैं तो सिंपल वाई ग्रुप से कैसा था? वाई ग्रुप में तो बहुत सिंपल था, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा था, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पूछा गया। और जो रीजनिंग थी वो मॉडरेट थी या रीजनिंग? पांच क्वेश्चन फिगर वाले आते हैं, वो नॉर्मली हो जाते हैं, देखते हैं। वर्बल नॉन वर्बल काफी पूछा गया था। और टेक्नोमेट्री वगैरह के क्वेश्चन है मैथ के, एक दो क्वेश्चन बहुत सिंपल ही थे। अच्छा, आप बताएं भाई कैसा देखा? पेपर आसान था, बता सकते हैं? जैसे फिजिक्स का थोड़ा कंसेप्चुअल था पेपर, पर मैथ और इंग्लिश का बहुत ही आसान पेपर था। अच्छा, मैथ इंग्लिश काफी आसान था। काफी आसान पेपर था। आपने कितने अटेम्प्ट करे टोटल? भैया इंग्लिश में पूरे 20 करके आए हैं। 20 हाँ जी, इंग्लिश में। और फिजिक्स में? फिजिक्स में 22 हैं और इसमें 23 मैथ। 23 कोई क्वेश्चन तो आपको याद होगा फिजिक्स में जो पूछा गया होगा, आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं? गैसों का तापमान कहाँ किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा, इजी था क्वेश्चन। और जीके से कोई बढ़िया सा क्वेश्चन आपको याद हो? जीके से सर बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा था, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा था, मसालों का उद्यान पूछा था, मसालों का उद्यान कहाँ पे है, और क्या पूछा गया? और 2020 का क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला हुआ, ये बहुत ही नॉर्मल आई थी। ठीक है, थैंक यू। आप बताएं भाई कैसा था? बहुत बढ़िया रहा एकदम पेपर। तो कुछ बता सकते हो आप इंग्लिश में? कोई मीनिंग वगैरह, कोई एडवर्ब वगैरह? एडवर्ब आई थी, एडजेक्टिव आए थे और नरेशन आई थी। अच्छा, नरेशन आए थे। नरेशन तो मान लो आता ही है, कुछ ऐसा बताएं जो दूसरे के लिए हेल्प हो सके। हेल्प क्या, सिनोनिम्स आए थे और एंटोनिम्स आए था। अच्छा, एंटोनिम्स वगैरह आए थे। मैथ कुछ बताए? मैथमेटिक्स का पोर्शन हमने दिया नहीं। मैथमेटिक्स का नहीं? तो आपने एक से वाई भरा होगा तो मैथ तो आई होगी ना? हाँ। कौन सा आपने भरा? था भाई, बहुत भरा था, लेकिन मैं तैयारी की सीख की थी। नहीं, बहुत नहीं भरा था, केवल वाई भरा। अच्छा, वाई भरा, तो वाई में तो मैथ आई होगी। जैसे टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन था? नहीं, टाइम एंड वर्क से कोई, टाइम डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन था? हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस से रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? नो, सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ना सिंपल से, बट्टा वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, बट्टा से क्वेश्चन आया था, डिस्काउंट से। प्रॉफिट लॉस से कुछ पूछा गया था? प्रॉफिट, हाँ, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से भी आया था। अच्छा अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा सर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ जीके में याद है आपको? कुछ नहीं, जीके में तो कुल मिलाकर यार भाइयों काफी लोगों से बात करी और काफी सारे क्वेश्चन भी जाने हैं, तो फाइनली सभी का एग्जाम लगभग अच्छा ही गया है। तो भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, मैंने सारे रिव्यू पहले भी डिस्कशन में सारे लिंक उन्हें भी देखो जाकर, और वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो चारों तरफ। थैंक यू सो मच।